मतलब कुछ करने जाओ ना तो कुछ अलग हो जाता है। सुबह सुबह मैं आ रहा था ऊपर छत के ऊपर और साइड से एक लड़की जा रही थी, उसने आँख मार दी, तब से मेरे आँख से मेरा पानी निकल रहा है और ये पानी निकलने की वजह से मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मतलब आँख मेरे से पूरा बंद चालू हो रहे हैं, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो चश्मा है इसे लगाना पड़ेगा अपनी आँखों में। अभी मैं कुछ भी करूँ, आँख बंद करूँ या चालू करूँ, आपको पता नहीं चलेगा और वीडियो अच्छे से बन जाएगा। तो हेलो एवरीवन, इट्स मी जयन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं करने वाला हूँ एक कुकिंग कैंपिंग सेट का अनबॉक्सिंग और आपको देने वाला रिव्यू। उसमें क्वालिटी वगैरह क्या है, कितने जनों के लिए सूटेबल रहेगा, मतलब कितने जन जाके आप कुकिंग कर सकते हो, अगर मान के चलो 2 जन 3 जन 4 जन जो कुछ है आपको वीडियो में बताऊंगा। क्वालिटी कैसी है और क्या क्या उसमें कितने क्वांटिटी मिलते हैं और किस यूज़ में आता है, सब कुछ इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको रिव्यू दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि भाई साहब हमारे ना चैनल में कुछ सब्सक्राइबर चाहिए जिससे कि मेरा मोनेटाइजेशन हो जाएगा। ऐसे आप लोगों ने वॉच टाइम जो था वो मेरा पूरा कर दिया, अभी सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए और जो वॉच टाइम आपने पूरा किया उसके लिए है दिल थैंक यू। और जो सब्सक्राइबर काउंट है वो भी करवा दीजिए जिससे कि कुछ वीडियो बनाए और मज़ा आए। ऐसे मज़ा तो आ रहा है लेकिन और मज़ा आए। अच्छा समझ रहे हो आप, समझो बात की गहराई को, सको दिल के अंदर से जो बात निकल रही है उसको समझो और सब्सक्राइबर जो है इतने चाहिए वो पूरा करवा दो। तो बस अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे टेबल पे और वहाँ पर जाके आपको बताता हूँ क्या कुछ कहानी है। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने टेबल पर और ये रहा बॉक्स कुकिंग कैंपिंग सेट का। ऊपर में आपको लोबो और कंपनी का नाम मिल जाएगा और फ्रंट साइड में कुकिंग सेट लिखा और कंपनी का नाम। तो इसमें आपको 4 कुकिंग सेट मिलते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम इसके डब्बे को बॉक्स को निकालते हैं तो यहाँ पर आपको कुकिंग सेट जो कुकिंग कैंपिंग सेट है उसका जो कवर के साथ आपको पैकिंग मिलता है और ये जो बॉक्स इसको कुछ ज़रूरत नहीं तो इसको साइड में रखते फेंक देते हैं जो भी करना है। तो ये रहा हमारा मेन कुकिंग कैंपिंग सेट, उसमें ऊपर आपको एक कवर मिलता है जो उसकी क्वालिटी है, जो कैरी केस कवर है जो कवर बोलेंगे तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है और मेरे हिसाब से रहना भी चाहिए क्योंकि जब आपको ट्रैकिंग के लिए जाते हो तो इसे आप इसे मान के चलो आप लटका के रखो और बहुत जन बैग के साथ इसको लटका के रखते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि हो सकता है पीछे से गिर जाए या टूट जाए फट जाए जो भी हो, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। मेन हम आ जाते हैं हमारे कुकिंग कैंपिंग सेट पे। तो जैसे हम अरे भाई साहब तुझे अभी गिरना था, रुक जा क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। बोल रहा था कि जो इसकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, प्रीमियम क्वालिटी फील दे रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है। उसमें देखिए यहाँ पर पानी का लेवल भी दिया है तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, अगर आपको पानी के हिसाब से चेक करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं तो ऐसे ही बना लेता हूँ। तो ये पहला सेट है और क्वालिटी अच्छी लग रही है, दूसरा सेट है ये भी क्वालिटी अच्छी लग रही है और ये तीसरा सेट है। मैं ऐसे तीसरा सेट क्यों बोल रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4 चार पतले आपको मिलते हैं। तो एक एक करके हम बताते हैं कि इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे ना एक हैंडल दिया है वो भी कर्व में दिया है, मतलब बेंड होता है तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको स्पेस बच जाएगा और सब में मिलता है और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको अगर हम हिला के देखेंगे हाँ ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है और इसका जो देखिए यहाँ पर जो फिट किया है वो काफ़ी अच्छे से फिट किया है, कोई इसमें ये नहीं छोड़ा है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, फिनिशिंग भी अच्छी दी है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और पकड़ने में फील अच्छा आ रहा है और ये छोटा है इसलिए इसके क्यूट सा लग रहा है। इसमें आप चाय बना सकते हैं मेरे हिसाब से, और क्या बना सकते हो पता नहीं मुझे, मुझे तभी तो फिलहाल तो चाय बनाएंगे ऐसा लग रहा है। बाकी अगर आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैसे क्या इसमें क्या यूज़ करना है। और दूसरे में भी सेम इसमें आपको बेंड वाला एक हैंडल मिल जाता है जिससे आपको स्पेस मिल जाएगा और क्वालिटी देखो ना मस्त लग रही है, पकड़ के प्रीमियम वाली फील आ रही है और इसका जो हैंडल का क्वालिटी है वो भी अच्छा है, अंदर में भी अच्छा है, बाकी सब मस्त लग रहा है। इन दोनों का वो देखिए, इसमें दोनों में आप चाय तो बना सकते हो, उसके अलावा इसका और एक यूज़ है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। बाकी यूज़ क्या है आप थोड़ा बताओ यार कमेंट सेक्शन में, मुझे पता होना चाहिए। तो इसका दूसरा जो यूज़ है इसका, जैसे आप हैंडल को बेंड कर लेते हो फिर से जगह पे ले लेते हो, इसका यूज़ ऐसा है कि जब आप खाना वाना पकाते हो तब इसको आप ढक्कन के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी देख रहे हो इस तरह से। जैसे मान के चलो खाना बना रहे हो, 2 जन की ज़्यादा बना रहे हो तो उसमें आप इसका ढक्कन अगर लगा दो तो थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा और उससे खाना पकने में अच्छा रहेगा और सब्जी पकने में अच्छा रहेगा और उसमें लगाने के बाद काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम वाला लुक देता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो और ऐसा कुछ रहेगा। और ये जो दूसरा वाला है, तीसरा वाला जो सेट है, इसमें भी आपको एक हैंडल मिल जाएगा वही बेंड वाला और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हर इसमें देखना पड़ता है, उसमें पानी का लेवल भी आपको चेक कर सकते हो इसमें, और इसमें जो क्वालिटी दी है ये वाली दिखे जो फिटिंग की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, इसमें तो अच्छी रहनी ही चाहिए क्योंकि इसमें आप ज़्यादा सब्ज़ी पकाओगे या खाना पकाओगे
तो क्वालिटी अच्छी रहे, नहीं नहीं तो टूट के गिर जाए, फिर आपका कैंपिंग खराब हो जाए। और ये जो हरकत मैं कर रहा हूँ इसमें मैं अब बताना चाहता हूँ कि इसमें स्पेस कितना है। तो मेरा जो पूरा हाथ है, एक हाथ वो अंदर चले जा रहा है और इसमें फेस अच्छा है, मतलब दो तीन दिन के लिए आप आराम से, तीन चार दिन के लिए आप अच्छे से सब्जी बना सकते हो। ऐसे तो है दो दिन के लिए। और ये दूसरा वाला कैंपिंग सेट है, इसमें देखिए इसमें भी पानी का लेवल आप चेक कर सकते हो और इसकी क्वालिटी ओवर काफ़ी अच्छी थी। इसमें आप दो जन का खाना आराम से बना सकते हो। अगर नॉर्मल बंदे, अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी इंसान है, बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है, माफ करना, बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है तो उसके लिए एक जन के लिए ठीक है। और अगर नॉर्मल बंदे हैं तो दो ढाई, मतलब दो जन के लिए तो अच्छे से बन जाएगा, उससे आपको ऊपर पता नहीं। तो मेरे हिसाब से दो जन के लिए ठीक ठाक है ये कुकिंग कैंपिंग सेट। और क्वालिटी देखो यार, सबकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब प्रीमियम है, फिनिशिंग वगैरह अच्छे से दी है और सभी में आपको हैंडल मिल जाता है। और ओवरऑल बात करूँ, मुझे इससे काफ़ी अच्छा लगा, दो जन के लिए अच्छा है। अगर आपको बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट चेक कर सकते हो। प्राइस आपको अच्छा डील मिल जाएगा वहाँ पर, जो अच्छा डील रहेगा मैं वहाँ पर आपको दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आप बाय कर सकते हो। ओवरऑल बात करें, ये जो कुकिंग कैंपिंग सेट है काफ़ी अच्छा है, लिंक आपको फिर से बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल ये जो कुकिंग कैंपिंग सेट है तो ये दो जन के लिए है और इसे मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा है। आप बाय का सोलिंग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।